उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे उन आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने, शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता, शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना।